चलिए दोस्तों, आज मैं आपको यमला पगला दीवाना, जिसमें सन्नी देओल, बॉबी देओल और धर्मेंद्र थे, उसकी शूटिंग लोकेशन दिखा देता हूँ कि महेश्वर फोर्ट और माँ नर्मदा नदी के किनारे कहाँ कहाँ पर हुई है। दोस्तों उसके बाद मूवी में एक जगह का यहाँ का सीन लिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पर बॉबी देओल की जीएफ बैठी रहती है सीढ़ियों पर और बॉबी देओल यहीं से आते हैं, मेरे पीछे जो गेट देख रहे हो वहाँ से उतर कर आते हैं। तो ये जो सामने का गेट दिख रहा है, पहले लाइटिंग लगा दी गई थी, नाइट का सीन है वो, तो बॉबी देओल यहाँ से उतरते हुए आते हैं। आप मेरे सामने जो गेट देख रहे हो, मैं आपको और पास से दिखा देता हूँ, यहाँ तकरीबन 3 से 4 मिनट का शूट किया गया है। तो इस गेट से बॉबी देओल उतर कर आते हैं और उनकी जो जीएफ है वो जस्ट यहाँ बैठी रहती है, मेरे उंगली के जस्ट सामने यहाँ पर बैठी रहती हैं। वो वहाँ पर कहानी सुनाती है साहिबा और मिर्जा की, तो यहाँ पर बैठकर सुनाती है, फिर वो थोड़ा सा टहलती है तो इस जगह पर टहलती है, ये सीन थोड़ा थोड़ा आता होगा, तो इस जगह पर ऐसे टहलती रहती है, जैसे मैं टहल रहा हूँ ना ऐसे ही वो टहलती है यहाँ से यहाँ तक। तो मैं आपको वो लोकेशन दिखा देता हूँ। तो देखिए इन सीढ़ियों के पास से पहले वो वहाँ बैठकर बातचीत करते हैं, जस्ट यहाँ बैठे रहते हैं, है ना, यहाँ पर बैठते हैं, फिर अगली लोकेशन में यहाँ बैठ जाते हैं। तो यहाँ बैठकर वो बातचीत करते हैं और फिर जब उठकर टहलते हैं तो यहीं से टहलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से वो ऐसे टहलते रहते हैं ऐसे, और वो कहानी सुनाती रहती है। तो ये लोकेशन वो है, एक जगह की और लोकेशन यहाँ की ली गई, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे वो उतर के नीचे जाते हैं तो वो इस साइड भी थोड़ा सा टहलते हैं, ये जो लोकेशन आपको बता रहा हूँ यहाँ की है वो लोकेशन, वो यहाँ पर टहलते हैं थोड़े से। ये सीढ़ियाँ दिखाई देती है, यहाँ पर पैर लाइटिंग लगी रहती है, ये आप मैच कर सकते हो, यहाँ पर वो टहलते हैं, ये थोड़ा सा पोर्शन ये भी लिया गया है, ये यहाँ पर भी टहलते हैं वो, तो ये लोकेशन आप मैच कर सकते हो ये, है तो इस जगह पर टहलते रहते हैं वो। ये सीढ़ियाँ नज़र आती है और ये दीवार दिखाई देती है और ये ऐसा यहाँ पर लाइटिंग लगी थी ये भी नज़र आता है, तो इस जगह पर भी वो टहलते हैं। उसके बाद थोड़ा सा सीन इसका भी दिखाया गया है, शुरू में जब बॉबी देओल आते हैं उस समय काफ़ी नाइट का टाइम था, तो ये सीन लिया गया है, यहाँ से यहाँ तक का सीन उसमें दिखाया गया है। उसके बाद बॉबी देओल यहाँ बैठकर जब बातचीत करते हैं यहाँ पर, है ना, तो जो गुंडे आते हैं यानी कि बॉबी देओल के जीएफ के भाई आते हैं, तो इसी रास्ते से आते हैं और यहाँ बैठकर उनको मारते हैं, यहाँ पर उनको एक लट पड़ती है और बॉबी देओल यहाँ गिर जाते हैं, यहाँ पर जस्ट मेरे सामने पहले यहाँ गिर जाते हैं इस लोकेशन पर, है ना, और यहीं पर वो पड़े रहते हैं। इस जगह का भी दिखाया गया है, यहाँ पर भी बॉबी देओल जो हैं गिरे हुए रहते हैं इस लोकेशन पर। तो जो उनके भाई आते हैं वो मैं आपको एक बार लोकेशन दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर दोनों बैठे रहते हैं, यहाँ पर उनको लट पड़ती है और इसके बाद बॉबी देओल को मारने के लिए जो उनकी जेब के भाई आते हैं वो इस रास्ते से आते हैं, ये रास्ता है, और उनकी जेब को खींच के भी यहीं से लेके जाता है, ये इसी जगह पर आप मैच कर सकते हो। ये आपको तार वाला गेट नज़र आ जाता होगा उस समय, ऐसा लगा रहता है अब तो खुला हुआ है ऐसा, है ना, तो ये गेट वही है, आप मैच कर लीजिए ये, है ना। तो ये लोकेशन है, मैंने आपको कुछ बता दी, और यहाँ से ऐसे उतर के आते हैं ऐसे ऐसे, और वो यहाँ पर जस्ट बैठे रहते हैं ये। तो एक बार मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ ये, है ना, तो ये है, है ना, वहाँ पर गेट भी है जाली वाला, वो गेट भी दिखाया जाता है, और इसी का सीन लिया गया है पूरा, है ना। तो बॉबी देओल और उनकी जेप यहीं बैठकर बातचीत करते हैं, पहले यहाँ बैठती है फिर इस साइड में बैठ जाती है ना, और बॉबी देओल यहाँ पर पड़े रहते हैं बहुत देर तक पड़े रहते हैं, है ना, फिर एक सीन यहाँ का भी यही है, तो यही है, हाँ काफ़ी देर तक शूट किया गया है, है ना, ये मैंने आपको बता दिया, एक बार आप लोकेशन मैच कर सकते हो। नाइट के टाइम का सीन था तो काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग की गई थी, अब लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, दिन है इसलिए, रात में भी लाइटिंग नहीं, वो तो उन्होंने लाइट लगाई थी। तो इस जगह का वो पूरा सीन है ये, और अंदर मैं आपको लेके चलूँ एक बार, तो इन्हीं सीढ़ियों से आते हैं वो ये, एक बार पहले गेट लगा हुआ था, फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो गेट थोड़ा सा जो है लगा हुआ था, और इसका भी दिखाया गया है, यहाँ से बॉबी देओल की जेब को खींच के वो ले जाते हैं, यहाँ पर वो खड़े रहते हैं, इस जगह पर खड़े रहते हैं। तो आप ये लोकेशन देख सकते हो बहुत अच्छे से। तो ये हैं यमला पगला दीवाना की फिल्म लोकेशन, ये वाली है ना, ये सीढ़ियाँ हैं ये। तो आई होप आपने लोकेशन भी मैच कर ली होगी, है ना। तो हम अब नेक्स्ट लोकेशन पर चलेंगे, जहाँ पर बॉबी देओल को मार खाने के बाद बैठकर वो बातचीत करते हैं और बहुत सारी बातचीत होती है। तो एक लोकेशन हमने ये कवर कर ली है।
दोस्तों अगला सीन इस जगह का लिया गया है, जब बॉबी देओल को मार पड़ती है तो परेशान होकर इस जगह पर आकर बैठ जाते हैं। आप एक बार अच्छे से ये जगह देख सकते हो, जस्ट मेरे पीछे जो गेट बनाया हुआ है वहाँ से धर्मेंद्र आते हैं और सनी देओल भी यहीं बैठे रहते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो देखिए उस गेट से धर्मेंद्र आते हैं और बॉबी देओल यहाँ बैठे रहते हैं। आपको ये मंदिर भी उसमें दिखाई दे रहा होगा, अब कलर हो गया है, पहले दूसरा कलर था। तो बॉबी देओल यहाँ बैठे रहते हैं जस्ट, और धर्मेंद्र वहाँ से आते हैं यहाँ, और ये सामने क्या नदी का भी सीन दिखाया गया है ये, तो आप देख सकते हो। तो ये दरअसल यहाँ बैठकर वो धर्मेंद्र उन्हें समझाते हैं कि मैं बहुत अच्छी साहिबा लेके आऊँगा और परेशान मत हो, ये बहुत सारी बातें होती हैं। उसके बाद जो सनी देओल बैठे रहते हैं वो यहाँ बैठे रहते हैं, सेकंड नंबर की जो सीढ़ियाँ आती हैं यहाँ पर जो हैं सनी देओल बैठे रहते हैं। सनी देओल भी देखते रहते हैं सारे तमाशा क्या हो रहा है क्या नहीं, और बॉबी देओल उन्हें यहाँ बैठकर समझाते रहते हैं। ये लोकेशन आप देख सकते हो, जस्ट इसी जगह पर वो बैठे रहते हैं। जब बॉबी देओल यहाँ से उठकर जाते हैं तो ये वो इधर उधर चलते हैं और फिर सनी देओल के पास धर्मेंद्र जाते हैं, और धर्मेंद्र से जब मिलन की कहानी कहते हैं कि तू ही मेरा बेटा है, सारी जब कहानी बताते हैं धर्मेंद्र, तो इसी जगह का सीन है, आप देख सकते हो अच्छे से ये। तो इसी जगह पर वो फिल्म का सीन लिया गया है, तकरीबन 3 से 4 मिनट उनके बीच में डायलॉग होते हैं, बहुत सारी बातें होती है, तो वो इस जगह का सीन लिया गया है। और ये आप एक बार और अच्छे से मैच कर सकते हो, ये लोकेशन ये वाली, तो यहीं पर इसी घाट का वो सीन है, बहुत देर तक बातचीत वार्तालाप होती है ये, है ना। आप एक बार यहाँ से मैच कीजिए पूरा वो सीन, ये मंदिर भी उस समय दिखाई देता है, मेरी जस्ट उंगली के सामने बैठे रहते हैं बॉबी देओल और धर्मेंद्र, ये वाला सीन उस फिल्म में दिखाया गया है। ये रात का समय था तो काफ़ी अच्छा था, लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी थी, अब दिन में है तो थोड़ा सा क्वालिटी में फ़र्क है, बाकी सीन बिल्कुल इसी जगह का है ये, आप मैच कीजिए अच्छे से। दोस्तों फिल्म में एक लोकेशन जस्ट मेरे पीछे जो मंदिर है उसकी ली गई है, जहां पर सनी देओल बैठकर बॉबी देओल को समझाते हैं कि साहिबा को लेकर ज़्यादा टेंशन मत ले, परेशान मत हो, अपन पंजाब चलते हैं उसको लेने। जी हां, चलो मैं आपको लोकेशन दिखाता हूं। तो देखिए मेरे सामने एक मंदिर है, ये जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है ना, ये उस सीन में आपको ज़रूर दिख रहा होगा, बॉबी देओल और सनी देओल वहाँ बैठे रहते हैं, जस्ट मेरी उंगली के सामने जो चबूतरा बना हुआ वहाँ पर वो बैठे रहते हैं, और वहाँ से दरअसल वो सीन फिल्माया गया है। तो वहाँ हम नहीं जा सकते हैं, परमिशन नहीं है जाने की, लेकिन आप मैच कर सकते हो, नाइट के समय का वो शूट किया गया है और इस पर लाइट लगी रहती है बहुत सारी, तो ये वही मंदिर है, वहाँ बैठकर वो डिस्कस करते हैं दोनों। आपको नीम का झाड़ भी दिखाई दे रहा होगा, पेड़ भी जो ब्लर किया गया है उसमें, और वहाँ से ऐसा एंगल लिया गया है ताकि यहाँ का ये मंदिर भी दिखे। तो देखो ये मंदिर भी उसमें दिखाई देता है, रात का समय रहता है तो इस पर भी काफ़ी लाइटिंग रहती है, तो ये वही लोकेशन आप मैच कर सकते हो, यहाँ से ये मंदिर दिखाई देता है और वहाँ से दरअसल वो मंदिर दिखाई देता है, तो आप मैच कर सकते हो एक बार ये जस्ट। तो काफ़ी ऊपर चबूतरे पर बैठे रहते हैं, वहाँ से वो सीन लिया गया है, आपको और मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये देख लो आप अच्छे से ये, तो ये वही चबूतरा है जहाँ पर बॉबी देओल और सनी देओल बैठकर डिस्कस करते हैं साहिबा को लेकर। तो ये आप मंदिर भी देख सकते हो ये वाला, है ना। तो आई होप ये लोकेशन भी मैंने आपको दिखा दी, आपको पसंद आई होगी, और अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन कहाँ हो सकती है उसको कवर करते हैं। दोस्तों यमला पगला दीवाना में बॉबी देओल, सनी देओल और धर्मेंद्र जो बैठकर शराब पीते हैं ना, उसकी एक लोकेशन और आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये जो मेरे सामने आपको एक चबूतरा दिख रहा है ना ऊपर किले पर, यहीं पर बैठकर वो शराब पीते हैं और इधर उनकी लोकेशन रहती है और पूरा महेश्वर नज़र आता है। जी हाँ, यहीं बैठकर वो पीते हैं तीनों शराब, ये लोकेशन आप अच्छे से मैच कर सकते हो, ऊपर जाने की परमिशन नहीं है, नहीं तो पूरा महेश्वर मैं आपको दिखा देता। तो इस जगह पर बैठकर वो पीते हैं और इधर जो है कैमरे का एंगल रहता है, इधर महेश्वर नज़र आता है, तो ये लोकेशन आप मैच कर सकते हो ये। और जो एक और बार जो धर्मेंद्र बॉबी देओल सिर्फ दोनों शराब पीते हैं वो उस चबूतरे पर बैठकर पीते हैं, जो आपको दिख रहा होगा हल्का सा मेरी उंगली के सामने एक और जो फोर्ट पर बना हुआ उस पर बैठकर पीते हैं, उधर नदी का सीन आता है और इधर महेश्वर का सीन आता है। तो आई होप आपको ये हमारा व्लॉग पसंद आया होगा, तमाम मैंने लोकेशन कवर कर लिए, बहुत मेहनत, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत घूम रहा हूँ, यानी कि तकरीबन 2-3 दिन से घूम घूम कर लोकेशन कवर कर रहा हूँ। अगर भाई की मेहनत पसंद आई हो, अच्छा लगा हो व्लॉग, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे लोकेशन पर, तब तक के लिए गुड बाय।